लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में हुई मीटिंग, भाजपा के प्रदेश कार्यालय पे चली बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज रहे मौजूद। करीब 5 घंटे तक चली बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। देश की दोनों प्रमुख सियासी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर आज भोपाल में बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग हुई। साल 2019 में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनावों के सिलसिले में बुधवार यानी आज के दिन 27 दिसंबर के दिन बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी ने जीत का मूल मंत्र किया तैयार। बीजेपी कार्यालय में दोपहर 2 बजे से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपनाए गए टिप्स पर भी चर्चा की। साथ ही ये सलाह दी गई कि इन विधानसभा चुनावों के दौरान अपनाए गए टिप्स पर ही लोकसभा चुनाव में भी काम करना होगा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, 28 विधानसभा सीटों पर कब्जा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 28 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस महज 1 सीट पर ही सिमट कर रह गई थी। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आज बैठक में दिन भर उपस्थित रहे हैं। आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारी तैयारियां पहले से प्रारंभ थी, उन तैयारियों को और गहराई के साथ उसकी तैयारी हमने आज की है। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आज पूरे देश के अंदर और अभी मध्य प्रदेश में 16 तारीख से जो हर पंचायत और गांव में घर घर तक पहुंच रही है, उसकी भी एक व्यापक समीक्षा और उसकी तैयारी जो 25 जनवरी तक चलेगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उसकी तैयारी की है। राहुल गांधी की भारत यात्रा पर अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया पलटवार। जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के, वहीं वहीं हुआ बंटाधार। देखो, भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, श्रीमान राहुल गांधी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। जहां जहां पैर पड़े संतन के, जहां जहां पैर पड़े राहुल के, वहीं वहीं बंटाधार। जहां जहां गए थे वहां जमानत जब तो हो गई है, जोड़ना तो छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ दी लोगों ने, और ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। बीजेपी आला कमान ने विधायक कृष्णा गौड़ को दिया तोहफा। कृष्णा गौड़ को बनाया राज्य मंत्री। विधानसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक रिकॉर्ड वोटों से जीती कृष्णा गौड़। बीजेपी आला कमान के विधायक कृष्णा गौड़ को तोहफा देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए कृष्णा गौड़ को राज्य मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौड़ की पुत्रवधु हैं कृष्णा गौड़। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में 1 लाख से अधिक रिकॉर्ड वोटों से जीती थी विधायक कृष्णा गौड़। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से 2 बार की विधायक भी रह चुकी हैं। हमारे प्रतिदिन टाइम के संवाददाता सनत तिवारी ने मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री कृष्णा गौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कृष्णा गौड़ ने। बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है प्रदेश की जनता की सेवा करने का। और मैं
केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की अपेक्षा की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊंगी। पूरे प्रदेश के लिए करना है और जो भी दायित्व मिलेगा विभागों के बंटवारे के बाद निश्चित रूप से उसके साथ न्याय करूंगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और जन कल्याण के आधार पर प्रदेश का विकास करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश का प्रत्याशित विकास करेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है। बहुमत से बीजेपी जीतने वाली अब लोकसभा आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में क्या जादू करती है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम्स।